मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या होता है, उसमें पॉपुलेशन कितने होते हैं, किसका ऑथोरिटी होता है कोई भी एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर करने का, वो सारा दिया हुआ है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 का टाइटल है मेट्रोपॉलिटन एरियाज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 8 को समझेंगे बारीकी से, जो भी प्रोविजन दिया हुआ है वो सारे डिटेल में। तो सबसे पहले किसी भी सिटी या टाउन को मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है अगर वहाँ का पॉपुलेशन मिनिमम 1 मिलियन यानी 10 लाख क्रॉस कर गया है, 10 लाख से ज़्यादा है, 1 मिलियन से ज़्यादा है, तो वहाँ का उस एरिया को हम लोग कहेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया। लेकिन मान लीजिए किसी सिटी का या किसी टाउन का पॉपुलेशन कम है, 1 मिलियन से कम है, और मान लीजिए आज के डेट में वो 1 मिलियन पहुँच गया, तो ऑटोमेटिकली उस प्लेस को मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं कहा जाने लगेगा, उसको डिक्लेयर किया जाता है। और डिक्लेयर करने का अथॉरिटी होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी प्लेस को देखेगी, अच्छा यहाँ पे 1 मिलियन से ऊपर पॉपुलेशन हो गया, ठीक है इसको अब मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित कर दिया जाता है, नोटिफिकेशन जारी करेगी और कहा जाएगी इस तारीख से मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। और आपको पता है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाता है, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट नॉर्मल एरिया के लिए होते हैं, लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होते हैं वहाँ पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं होता है, वहाँ पे होंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया को समझना ज़रूरी होता है। डिक्लेयर करने का अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास, पॉपुलेशन मिनिमम 1 मिलियन। देखिए CRPC जब से कमेंसमेंट में आया, लागू में आया, तब से 4 एरियाज़ को मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑटोमेटिकली उसे डिक्लेयर कर दिया गया इस कोड के तहत में, CRPC के तहत में। वो 4 कौन कौन से हैं? 3 तो हो गए प्रेसिडेंसी टाउन, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, और चौथा अहमदाबाद। ये 4 प्लेसेस को मेट्रोपॉलिटन एरियाज ऑटोमेटिकली घोषित कर दिया गया। और स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि जो भी मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसका थोड़ा सा एरिया उसको बढ़ा देना चाहिए, या लगता है कि नहीं बढ़ाना नहीं चाहिए, घटा देना चाहिए, मतलब जो भी लगता है, या चेंज कर देना चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा कर सकती है। लेकिन ये जो घटाना बढ़ाना, मतलब घटाने का जो प्रक्रिया है, कम करने का, डिक्रीज करने का, ये इतना नहीं कम करेगी कि उस एरिया का जो रहेगा वो एरिया 1 मिलियन से नीचे पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए। इतना घटाइए, बहुत घटाइए, जितना घटाना उतना घटाइए, लेकिन पॉपुलेशन 1 मिलियन मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है। और ये जो एल्टरेशन किया जाता है, घटाना बढ़ाना या चेंज कर देना, ये एल्टरेशन हो रहा, और मान लीजिए एल्टरेशन कर दिया गया, एल्टरेशन से पहले कोई भी पेंडिंग ट्रायल है, इंक्वायरी है या अपील है, ठीक है, ट्रायल इंक्वायरी अपील, इसको याद कर सकते हैं आप, ITA, इंक्वायरी ट्रायल अपील, इंक्वायरी ट्रायल अपील, कोई भी इंक्वायरी ट्रायल या अपील है तो उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। पेंडिंग वाले की बात हो रही है, पेंडिंग में है तो ये ऐसा एल्टरेशन से कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कोई प्लेस है उस वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, ऑटोमेटिकली वहाँ का पॉपुलेशन घटने लगा, और घट के इतना हुआ कि 1 मिलियन से कम हो गया, तो स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन फिर से जारी करेगी और कहेगी कि इस डेट से ये जो एरिया है ये मेट्रोपॉलिटन एरिया इसे नहीं कहा जाएगा, ठीक है, और उस नहीं किया जाएगा। और उस दौरान मान लीजिए कोई भी पेंडिंग में इंक्वायरी है, ट्रायल है या अपील है, पेंडिंग में इंक्वायरी, ट्रायल या अपील है, तो उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये जो पॉपुलेशन की बात की जा रही है 1 मिलियन, तो ये पॉपुलेशन कब का पॉपुलेशन लिया जाएगा? तो ये पॉपुलेशन लिया जाएगा लास्ट प्रिसीडिंग सेंसस का, जब किया जाता है पॉपुलेशन जनगणना होती है, तो वो लास्ट प्रिसीडिंग सेंसस का पॉपुलेशन को ही माना जाएगा पॉपुलेशन इस सेक्शन के लिए, सेक्शन 8 के लिए मेट्रोपॉलिटन एरियाज के लिए। आई होप क्लियर हो गया होगा सारा प्रोविज़न, कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।